कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए शिवपुरी से सैकड़ों कांग्रेसजन उप यात्रा में शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता में कहा कि जोरा से आ रही यात्रा कल शनिवार को शिवपुरी में प्रवेश करेगी। जिला अध्यक्ष प्रकाश शर्मा, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव बाबी सिंह, भारत जोड़ो यात्रा के जिला संयोजक रामजी लाल कुशवा ने कहा कि जोरा से आ रही यात्रा कल शनिवार को शिवपुरी में प्रवेश करेगी। ये यात्रा कत्था मिल, कमलागंज, माधव चौक होते हुए कोर्ट रोड अस्पताल चौराहे से अग्रसेन चौक होकर पोहरी रोड वंदना मैरिज गार्डन पहुंचेगी। यात्रा विश्राम यही होगा। 13 तारीख को सुबह 8 बजे यात्रा प्रारंभ होकर तत्या टोपे समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राजेश्वरी रोड गुरुद्वारा चौक होकर गुना चुंगी नाके से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए प्रस्थान करेंगी। यूथ जोड़ो बुद्ध जोड़ो से प्रभारी बाबी सिंह परियार ने यात्रा के बारे में बताया कि जिले में विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा इन यात्राओं के स्वागत, स्वल्पाहार, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? भारत जोड़ो यात्रा मीडिया है, आम पब्लिक को भी भारत जोड़ो यात्रा ये कांग्रेस के मंच पर तो हो रही है, लेकिन ये संपूर्ण भारत के नागरिकों का आह्वान है। इसमें जैसा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने राहुल जी को इसका नेतृत्व सौंपा है, उसके अंतर्गत यही भाव है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। पिछले 8 वर्षों में देखने में आया कि भारत में सहिष्णुता का अभाव हुआ है। लोग एक दूसरे के धर्म को लेके, जाति को लेके, संप्रदाय को लेके जिस तरह का वातावरण बनाया है, इससे भारत में जो आपसी भाईचारा प्रेम था सर्वधर्म संभाव का, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। उसके अंतर्गत ये 150 दिन की जो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में हो रही है, उसी क्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने एक प्रोग्राम बनाया कि हर जिले और हर ब्लॉक से लोग उपयात्राओं के रूप में भी निकलें, जिससे कि सभी का इसमें समावेश हो सके। तो ग्वालियर चंबल संभाग में जो 8 जिले हैं, 8ों जिले से मुरैना, भिंड, कल ग्वालियर से यात्रा जो आई वो 3 जिलों की थी। जो जौरा आश्रम गांधी जी का आश्रम है वहाँ से हमको हैंडओवर की गई और आज शिवपुरी में ये यात्रा एवी रोड पर सतनवाड़ा पहुंच चुकी है, कल शिवपुरी शहर में आएगी। इसी प्रकार श्योपुर और दतिया से 12 और 13 तारीख में ये यात्राएं आएंगी और ये हम गुना को हैंडओवर करेंगे। गुना से आगे जिले में जाएगी, आगे से आगे जाएगी और माननीय जयवर्धन सिंह जी इस यात्रा को राहुल गांधी जी जहाँ भी होंगे उस यात्रा में शामिल किया जाएगा, ये हमारा उद्देश्य। शिवपुरी से यशोधरा जीतेंगी वक्त कांग्रेस हारेगी, ये आपका नहीं, मेरी इस तरह की ना किसी पत्रकार से बातचीत है ना किसी से है, ये आपका इसको मैनिपुलेट करके, इसको आपने नहीं बोला? मैंने कतई नहीं बोला है और ना किसी पत्रकार बंधु से ना कोई वक्तव्य दिया है ना कहीं भाषण बोला। मेरी और कलेक्टर की सामान्य जो अनौपचारिक चर्चा हो रही थी, इसमें मतदाता के सूची में नाम जोड़ने के लिए लोग मेहनत नहीं करते हैं, तो उसमें मैंने ये केवल कहा था के पिछोर में केपी सिंह जी का कोई विकल्प नहीं है, जबकि 6 बार से वो जीत रहे हैं, तो काम कौन करे? काम केपी सिंह जी के लोग करें तो वो करते हैं। इसी तरह से शिवपुरी में बीजेपी में यशोधरा जी का विकल्प नहीं है, तो वहाँ बीजेपी के लोग नहीं करते। अब सिद्धार्थ लड़ा जैसे लोगों को टिकट मिलता रहा, नूरा कुश्ती होती रही, अब नहीं होगी क्योंकि सिंधिया जी बीजेपी में जा चुके हैं। इस तरह की बात मैंने बोली थी तो उनने क्या किया कि मेरा ये टुकड़ा हटा दिया, एडिट कर लिया, तो ये गलत है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।